दोस्तों नमस्कार। सीनियर सिटीजन्स व पेंशन धारकों के लिए बजट में 5 बड़े तोहफों को इंक्लूड कर लिया है। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। विस्तार से आपको खबर बताएंगे कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बजट रहने वाला है। केंद्रीय बजट कल 23 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। ऐसे में बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इससे सीनियर सिटीजन्स और पेंशन भोगियों के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है और इन 5 मुद्दे के ऊपर सहमति बनी है। ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट के दौरान पेंशन भोगियों की 5 बड़ी मांगें पूरी होने वाली है। तो जान लीजिए किन किन मांगों पर सहमति बन गई है। जी हाँ, 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर, 10 लाख रुपये तक आय का नहीं देना होगा टैक्स, हेल्थ पॉलिसी पर 1 लाख रुपए का फ़ायदा, रेलवे किराए में छूट लागू, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बनाया जाएगा आकर्षक, एफएम में और 18 महीने के एरियर का होगा ऐलान, एनपीएस से रिटायर कर्मियों को भी मिलेगा तोहफा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो रहेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बनाया जाएगा आकर्षक, किसी के साथ एफएम में और 18 महीने का एरियर, जिसको लेकर बार बार चीज़ें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भी 18 महीने के एरियर को लेकर जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि पेंशन भोगियों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है ना तो बोनस का फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अब उनकी 18 महीने का एरियर का फ़ायदा दिया जाएगा। इसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और एक साल में एक बार इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है, तो उस प्रकार की व्यवस्था पेंशन भोगियों के लिए किया जाए, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं हो पाई है। ऐसे में पेंशन भोगियों को 18 महीने के एरियर का पैसा मिलेगा। इसके साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 से बढ़कर 3000 होने की घोषणा केंद्र सरकार बजट में कर सकती है। तो ये बजट हमारे पेंशन धारकों के लिए तोहफा साबित होने वाला है। एनपीएस के तहत जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बजट में इसका ऐलान होने वाला है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। तो कल का बजट जो है हमारे देश के पेंशन भोगियों सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पेंशन धारकों को शानदार तोहफा जो है इसमें मिल सकता है। ओआरओपी को लेकर भी उम्मीदें हैं कि क्योंकि ओआरओपी 2 जो है कुछ चलते हालातों की वजह से जो है लेट हो गया था, लेकिन ओआरओपी 3 में उम्मीद की जा रही है कि समय से लागू हो, और समय से लागू होने के साथ ही इसमें इसका जो बजट रहेगा यानी ओआरओपी 3 का जो बजट है वो कल बजट स्तर में पेश कर सकती हैं निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो बड़ा तोहफा ये हमारे पेंशन धारकों के लिए बड़ी उम्मीद हो सकता है। कल जो है लाइव सेशन रहेगा बजट का, तो वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ।